गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास सेवन्थ की संस्कृत का लेसन नंबर 4 हास्य बाल कवि सम्मेलनम। हास्य बाल कवि सम्मेलन, इसमें चार बालक होते हैं, वो कविता जो कहते हैं हंसी की कहते हैं। इसमें है विविध वेशभूषा धारिणे चत्वारे बाल कवे मंचस्य उपरी उपविष्टा सन्ति। अनेक प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए चार जो बाल कवियाँ मंच के ऊपर प्रवेश करते हैं। अधः श्रोतारे हास्य कविता सिर्वनाय उत्सुका संति कोलाहलम च कुर्वंती। और उसके जो नीचे हैं सुनने वाले हास्य कविता को सुनने के लिए उत्सुकता से बैठते हैं और शोर करते हैं। संचालक है, संचालक कहता है अलम कोलाहलेन शोर मत करो या बंद करो। अद्य परम हर्षस्य अवसर है, आज बहुत ही हर्ष का अवसर है। यत अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्य हंतारे काल यापका च भारतस्य हास्य कवि वसुंधरा समागता संति। कि यहाँ आज जो कवि सम्मेलन में कविता को हरने वाले काल समय को बर्बाद करने वाले भारत के अग्रणी श्रेष्ठ हास्य कवि आए हुए हैं। भारत यही करतल ध्वनि वयम एतेषां स्वागतम कुर्मे। तालियों की ध्वनि से हम सब इनका स्वागत करते हैं। गजाधर है, गजाधर कहता है सर्वेभ्य रसिके केभ्य नमः नमः। इन सभी को, सभी नीरस जनों को बार बार नमस्कार। प्रथम तावद अहम आधुनिकम वैद्यम उद्देश्यम स्वकीयम काव्यम श्रावयामि। तो पहले मैं आधुनिक वैद्य के बारे में अपनी कविता सुनाता हूँ। वैद्यराज नमस्तु व्यम यमराज सहोदर है। हे वैद्यराज नमस्तु, तू यमराज के सगे भाई को नमस्कार। यमस्तु हरती प्राणा वैद्यम प्राणा नाम धनानी चे। यमराज तो प्राणों को हरता है, पर वैद्य बोलते हैं डॉक्टर को, प्राण और धन दोनों को ही हर लेता है। सर्वे उच्च ही हंसती, सभी जोर जोर से हंसते हैं। सेकंड पैरा इसका कालांतक है। कालांतक कहता है अरे वैद्य अस्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशा कुशला जनसंख्या निवारणे। अरे डॉक्टर वैद्य तो सब जगह होते हैं, परंतु जनसंख्या रोकने में मेरे जैसे कुशल नहीं होते। ते इदम शृणो वंतु भवंत में। अरे आप सब मेरी यह कविता मम अपी काव्यम इदम शृणो वंतु भवंत, आप सब मेरी इस कविता को सुनिए। चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा वैद्य विस्मय आगत। जलती हुई चिता को देखकर वैद्य हैरानी में पड़ गया। न अहम गत न मैं भ्राता कस्य इदम हस्य लाघवम। न मैं गया न मेरा भाई गया, यह किसके हाथ की सफाई है। सर्वे पुनः हसंती, सभी फिर से दो जोर से हंसते हैं। तुंदल है, तुंदल कहता है तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्त्यम, अपनी तोंद के ऊपर हाथ फेरते हुए। तुंदल अहम भो मम अपि यह तुंदल है जो वो कहता है कि ये तोंद के ऊपर आते हो, मेरा भी यह काव्य सुनिए और जीवन में अपनाइए। मम अपि इदम काव्यम सुनिए, मेरा यह काव्य सुनिए जीवने धार्यताम च और जीवन में अपनाइए। परा अन्नम प्राप्य दुर्बुद्धे, जो पराया भोजन होता है प्राप्त करके शरीर माँ शरीरे दयाम कुरु। परा अन्नम दुर्लभम लोके शरीरानी पुनः पुनः, कि पराया भोजन प्राप्त करके शरीर पर दया मत कर, क्योंकि संसार में पराया भोजन कठिनाई से मिलने वाली वस्तु है। शरीर तो बार बार मिलते हैं। सर्वे पुनः अट्ठासम कुर्वंती, सभी फिर जोर जोर से हंसते हैं। फिर ये दो पैरा इन्हें कर लो, फिर आगे करेंगे। ठीक है।